हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। आज है 10 मार्च 2018। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट हुआ था हैदराबाद में। तो वहाँ पर जो हमारे नीति आयोग के CEO थे अमिताभ कांत, ने डिसाइड किया कि हम जो वीमेंस हैं उनके उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जो कि सारी की सारी जानकारियां उनको प्रोवाइड करता हो। तो अभी 8 मार्च को वीमेंस डे था, तो उस दिन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। हमारी न्यूज़ इसी के बारे में है ना। तो जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया। अब ये क्या करने वाला है इस बारे में बात करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, जो वीमेंस हैं जिनमें ऐसी एम्बिशन है कि हमको अपना बिजनेस सेट करना है ना, तो ये उनकी जो एम्बिशन है उसको एक्सप्लोर करेगा। दूसरा, एम्बिशन को एक्सप्लोर करने के बाद फिर उनको नॉलेज दिया जाएगा कि आप किस बारे में, मतलब बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उस बारे में उनको और जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा ये है कि उनको स्ट्रेटजी बताई जाएंगी बिजनेस के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म उनके प्लान सेट कर सकें और उनके गोल को अचीव कर सकें। समझ आ रहा है? ये जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये एक सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये एक वेबसाइट है जिसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या, मतलब नीति आयोग ने क्या किया है, गवर्नमेंट सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की जो भी वेरियस टाइप की स्कीम्स चल रही हैं लेडीज़ के लिए, वो सबकी सब उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। कोई भी लेडीज़ उस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करती है, रजिस्टर करती है, तो उसको वेरियस टाइप की जानकारी मिलती है। अब ऐसे में कोई भी लेडी है, उसके अंदर कुछ इस टाइप की एम्बिशन है कि इन द फ्यूचर मैं भी कुछ बिजनेस सेट करूं, तो उसको और ज़्यादा जो उसकी एस्पिरेशन है उसको बूस्टअप किया जाएगा, ठीक है। उसको फिर गाइडलाइन दी जाएंगी, उसकी इच्छा शक्ति जो भी है, तो इच्छा शक्ति मतलब उसकी जो एम्बिशन है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। और फिर सेकंड चीज़ है, उसका जो नॉलेज है उसको नॉलेज दिया जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में जिस बारे में वो सोच रही है। और तीसरा ये है कि आपने, ठीक है, आपकी एक एम्बिशन थी उस बारे में समझा दिया, आपको नॉलेज भी दे दिया कि क्या करना है, अब कैसे करना है। तो तीसरी जो बात है स्ट्रेटजी की, तो इसमें क्या है, स्ट्रेटजी भी बताई जाएंगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए जो सही रहेंगी, है ना। इसमें कई सारे जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, इनकी पार्टनरशिप से ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म काम करने वाला है, ठीक है। ये हमारा था वर्ल्ड वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। अब एक्सप्लोर कर लिया, नॉलेज भी दे दिया और आपने उनको स्ट्रेटजी भी बता दी। अब जो वेरियस टाइप की जो कंपनी हैं, इंडस्ट्री हैं, वो सब की सब कोलैबोरेट कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपका जो डाइस डिस्ट्रिक्ट है उनका एक फ़ंड है 10 करोड़ रुपए का, तो वो हेल्प करने वाले हैं। क्रिसेल एक कंपनी है जो कि क्रेडिट रेटिंग का काम करती है, तो जो वुमन एंटरप्रेन्योर हैं ये उनको बताएगा कि इतना खर्चा आने वाला, क्रेडिट एवेल्युएशन करेगा, ठीक है। इसके बाद और भी कंपनी, आपकी शॉप क्लू है तो ये जो लेडीज़ हैं उनमें डिजिटल लिटरेसी पैदा करेगी, इंटर्नशिप का काम करेगी, नेस्कॉम, CII, फिक्की, सिडबी, फेसबुक, तो ये जो अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, तो जो नए नए वीमेंस होंगी उनके स्टार्टअप के लिए हेल्प करने वाली हैं, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। फिर और आगे यही दुनियादारी की बात दी गई है कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी ये रैंकिंग है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वीमन के लिए, तो एक गवर्नमेंट का स्लोगन है, नारी पढ़ेगी विकास करेगी। आपको पता होगा कि कुछ थोड़ी बहुत महिलाओं को छोड़ दें, लेडीज़ को छोड़ दें, तो ऑल ओवर हमारी कंट्री में जो वीमेंस हैं उनके हालात बहुत बुरे ही हैं। तो ऐसे में यदि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनमें आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, और वो अपने बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करने सकेंगी, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगी, और ओवरऑल इस पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। चैलेंजेस में यही है कि हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा कल्चरली बाइस्ड है, लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, और कोई भी लेडीज़ घर से बाहर निकल कर कुछ भी काम करती है इसको बहुत हुआ टाइप का समझा जाता है।
समझ रहे हैं, वे अहेड में यही सारी बातें की गई हैं कि जो हम ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं तो इससे जो वीमेंस हैं उनमें इतना सारा जो पोटेंशियल होता है उसको टैप किया जा सके, उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। ठीक है, तो ये था फिर हमारा वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि नीति आयोग ने ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसमें जो वीमेंस हैं उनके मिशन को एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है, उनको नॉलेज दिया जाएगा जिस फील्ड में वो जानकारी चाह रही हैं, और फिर उनको स्ट्रेटजी बताई जाएंगी। वेरियस टाइप की कंपनी हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो उनको कोलाबरेट करेंगी, उनको फंड प्रोवाइड करेंगी, उनको गाइडलाइन जारी करेंगी, है ना, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सब कुछ था आपका वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में है। तो देखिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ये सबसे पहले 161 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था, तो अब गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको ऑल ओवर कंट्री के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में इसको लागू कर दिया जाए। थोड़ा सा हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, इसको फिर से स्लोली पढ़िए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो इसमें जो गर्ल्स हैं उनको बचाना है और उनको पढ़ाना है, सिंपल सा है, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है ये 2015 में जनवरी में लॉन्च की गई थी, और इसके दो एम थे। एक तो ये था कि जो हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डे बाई डे कम हो रहा है, तो उसको चाइल्ड सेक्स रेशो में जो वीमेंस हैं, लड़कियां हैं, उनका नंबर बहुत कम हो रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना है, लड़कियों के नंबर को बढ़ाना है। और दूसरा ये है कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए कई सारे इसमें इंटरवेंशन किए जाएंगे, है ना। लोग जो जेंडर बाइस डिसलेक्शन कर लेते हैं, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सिर्फ लड़कों का चुनाव करते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। तो ऐसे में जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा और उनके एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। अब ये जो स्कीम है ये तीन मिनिस्ट्री का एक कोलोबरेशन है, जिसमें आपका एक तो WCD मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, और जो HRD मिनिस्ट्री है, ये तीनों के तीनों मिनिस्ट्री का एक साथ कोलोबरेशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में। कंसर्न के बारे में यही बातें की गई हैं कि हमारी कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशो डे बाई डे कम होता जा रहा है, और जो कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं वहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनके नंबर इतने कम हो गए हैं कि वहाँ पर शादियों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, हरियाणा पंजाब जहाँ पर ब्राइड ट्रैफिकिंग होती रहती है। बे अहेड में यही सारी बातें की गई हैं कि ये हमारे देश में एक टाइप की साइलेंट इमरजेंसी है कि सेक्स रेशो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट इस टाइप के मेजर अपना रही है ताकि ये जो नेशनल रिकॉर्ड हैं इनको ब्रेक किया जा सके, है ना, और गर्ल्स के नंबर को बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में, जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी बेटी बचाओ। इसमें जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसको अच्छा करना है, जो गर्ल्स का नंबर है कुछ पर्टिकुलर स्टेट में, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो सभी जगह गर्ल्स का नंबर बढ़ाना है। जो जेंडर स्पेसिफिक सिलेक्शन होता है, है ना, कई सारे लोग इन्फेंटिसाइड का यूज़ करते हैं और जो गर्ल्स हैं बेबी जो फीमेल बेबी रहती हैं उनकी किलिंग कर दी जाती है, तो इसको रोक के जो गर्ल्स हैं उनका नंबर को बढ़ाया जा सके। और दूसरा ये है कि जो लड़कियां हैं उनका एम्पावरमेंट किया जा सके, इसके लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के बारे में ये था। और एक बात और है इसमें कि इसमें तीन मिनिस्ट्री हैं आपकी, एक तो WCD मिनिस्ट्री हो गई वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हो गई, और तीसरा आपका HRD मिनिस्ट्री हो गई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बिकॉज BRA फॉरवर्ड थिंकिंग नेशन। अभी देखिए क्या हुआ कि जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके उनके डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग हेल्ड हुई, जिसमें 12 यूनियन मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो वहाँ के सेक्रेटरीज थे, इन सब की मीटिंग हुई। कंटेक्स्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि नवंबर 2017 में जब हमारी कंट्री का 75th
इंडिपेंडेंस डे था, तो उस समय एक स्कीम लॉन्च की गई, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें बात की गई कि हमारी कंट्री में जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उनका डेवलपमेंट आ जाए, तो इसके लिए इनका डेवलपमेंट की बात की गई उस प्रोग्राम में 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उनमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ जाएँ इसमें। और आगे बात ये की गई कि इसके लिए प्रभारी ऑफिसर नियुक्त की जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे, जिनको प्रभारी ऑफिसर बोला जाएगा। ये जो प्रभारी ऑफिसर होंगे ये जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनके डेवलपमेंट का जो काम है वो एक एज ए चैलेंज की तरह लेंगे, और ये जो प्रभारी ऑफिसर हैं ये अपने काम को अंजाम देने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ असिस्ट करेंगे, और कुछ बंदों को साथ में लेके इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे वहाँ पे। फंडिंग के लिए बात करें, जो 115 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इनके लिए जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के थ्रू आएगा, और जो वेरियस टाइप की जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की उनमें जो भी फंड इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ से जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी फंडिंग की जाएगी। अब जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इनका सिलेक्शन कैसे की जाएगा, तो देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी हैं जहाँ पर आपके पानसिंह तोमर या टेंगो चार्ली टाइप की प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप। पानसिंह तोमर इसका मतलब समझ जाइए, टेंगो चार्ली मतलब जहाँ पे LWE की समस्या है, LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलवाद, है ना। और जो बाकी और अदर डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है जहाँ पे ये डेवलपमेंट होना है, तो हेल्थ न्यूट्रिशन बहुत समस्या है, कहीं पे डिलीवरी स्टंटिंग बच्चों का डेवलपमेंट नहीं है, और डिप्रीवेशन की समस्या है कि कई सारे जो अधिकतर वहाँ की जो जनता है वो लैंडलेस है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, एजुकेशन का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, घर हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, और जो विलेज हैं वो रोड से कनेक्ट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन की बिल्कुल स्थिति बेकार है कि वहाँ पे स्टूडेंट और जो टीचर है उनके बीच में रेशियो बिल्कुल इररिलेवेंट प्रोपोर्शन में है। तो ऐसी सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए प्रभारी ऑफिसर नियुक्त की जा रहे हैं जो 115 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। बाकी फिर ये है कि इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है कि यदि हम हमारी जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे देश का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। वे अहेड में यही सारी बातें की जा रही हैं कि ये जो स्कीम है इसको यदि आपको सक्सेस करना है तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जैसे कि आपका एजुकेशन हो गई, हेल्थ न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड, टॉयलेट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, आप इनको फुलफिल कर लें तो जाहिर सी बात है जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, है ना। तो ये था हमारा स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैंने बताया कि 2017 के नवंबर में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो हमारी कंट्रीज़ में 115 जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी। 75th एनिवर्सरी थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, इसमें जो प्रभारी ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, है ना, वो एक टीम बनाते हैं और फिर जो वेरियस टाइप के इंडिकेटर हैं उन पे काम करते हैं। जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो मैंने बताया कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या है, डिप्रीवेशन है, सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इस बेस पे उनका सिलेक्शन किया जाता है। और यदि हम ये जो वेरियस टाइप के इंडिकेटर जो मैं बता रहा हूँ यदि हम इनको फुलफ़िल कर लेते हैं तो इससे हम हमारी कंट्री की एक रैपिड ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को भी यदि कवर कर रहे हैं तो फिर हम पीछे नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और कि ये जो हमने कहा कि जो 115 डिस्ट्रिक्ट हैं इनका जो डेवलपमेंट है वो हम वेरियस स्कीम्स हैं उनके पैसे से इनका डेवलपमेंट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो फंड्स होते हैं उनसे भी इन डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो हम थोड़ी सी बात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में भी करेंगे, क्योंकि 2015 या 16 में UPSC ने इसमें से क्वेश्चन उठाया था तो हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है। तो देखिए
एक एक्ट आया था मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, तो उसमें एक बॉडी बनाने की बात की गई थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया था उस एक्ट के थ्रू। तो ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है और ऐसे एरियाज में बनाई जाती है जहाँ पे माइनिंग का काम चलता रहता है ना। तो जो माइनिंग से अफेक्टेड पीपल हैं उनके इंटरेस्ट को और उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ये बॉडी काम करती है। और इसमें जो पैसा आता है वो कौन कहाँ से आता है, तो जो माइनिंग करवा रहे हैं जो माइनर्स हैं है ना, उनके कंट्रीब्यूशन से इस फंड में पैसा आता है, जिसे बोला जाता है इस बॉडी में पैसा आता है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसमें जो फंड आता है वो माइनर्स में आता है, माइनर्स के द्वारा आता है। और उसका काम ये होता है कि जो भी माइनिंग से अफेक्टेड पीपल हैं उनका वेलफेयर किया जा सके, है ना। और ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, ये आप ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू स्कीम। देखिए अभी क्या हुआ कि जो फसल कटती है तो इसके बाद बहुत सारा मुद्दा चल रहा था न्यूज़ में स्टबल बर्निंग का, उसमें जो क्रॉप रेसिड्यू थे उनको जला दिए जाते थे। तो ऐसे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट इस बार के बजट में स्कीम लेके आई है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू स्कीम, है ना। तो इस बार के बजट में ये स्कीम के बारे में बात की गई है, जिसमें जो गवर्नमेंट है हरियाणा पंजाब यूपी दिल्ली की, तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी, है ना, ताकि एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है उसको और ज़्यादा डील किया जा सके। इस स्कीम की फंडिंग की बात की जाए तो ये पूरी फुली सेंट्रली फंडेड स्कीम है ना। इसमें पूरा का पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और ये जो पैसा है ये जो सब्सिडाइज मशीनरी है जो कि जो क्रॉप रेसिड्यू हैं उनका इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट करेगा उसके काम में आने वाली है। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसी मशीनरी जो कि ये जो क्रॉप रेसिड्यूअल है जो क्रॉप बच जाएगी, मतलब कटने के बाद जो मतलब समझ रहे हैं आप, जो क्रॉप रेसिड्यू रहते हैं ठुट्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उस जो बच जाएगा उसको उसके मैनेजमेंट करने के लिए जो मशीनरी है उसके सब्सिडाइजेशन में जो सेंट्रल पैसा देने वाला है उसमें यूज़ होने वाला है। बात की जाए कि बेनिफिशरीज की, तो इसमें जो बेनिफिशरीज होंगे वो आपका इंडिविजुअल फार्मर्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो गए, और ऐसी वीमन फार्मर जो कि जिन्होंने ग्रुप बना रखा है और जो कि रजिस्टर्ड है, तो ऐसे सारे लोग बेनिफिशरीज आएंगे। अब ऐसे जो बेनिफिशरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम है कि ऐसे मशीनरी के मैन्युफैक्चरर जो कि इस टाइप की मशीनरी बनाते हैं ताकि इन सीटू क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाए, ऐसे बेनिफिशरीज इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, है ना, जो इस टाइप की मशीनरी बनाते हैं जो क्रॉप रेसिडुअल रहता है उनका उनको डील कर सकें, है ना। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई किया जाएगा और ऐसी जो मशीनरी है उसको सब्सिडाइज रेट पर ख़रीदना ही इस स्कीम का फंडा है मेन, है ना। तो इसके बाद जो मशीनरी है उस मशीनरी का जो कॉस्ट है वो भी मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ताकि जो किसान हैं या जो अदर बंदे हैं जो कि इस टाइप की मशीनरी को परचेस करेंगे ताकि स्टबल बर्निंग को डील किया जा सके, तो उनको ये मशीनरी रीजनेबल प्राइस पे मिल सके। आगे फिर यही बात की गई है कि ये जो हमारी स्कीम है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के प्रमोशन के लिए, ताकि जो क्रॉप रेसिड्यूअल है उसका इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट किया जा सके, तो उसके लिए एक फार्म मशीनरी बैंक बनाया जाएगा। और जो भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा जो फाइनल फाइनेंशियल असिस्टमेंट दे रही है उसका जो 80% है वो फार्म मशीनरी बैंक्स इस्टेब्लिश करने में किया जाएगा। अब ये जो फार्म मशीनरी बैंक्स होंगे ये क्या करेंगे, ये ऐसी मशीनरी को परचेस कर लेंगे और फिर उसकी कस्टम हायरिंग की जाएगी, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो मशीनरी का यूज़ कर पाएगा, है ना। तो कौन मशीनरी को कस्टम हायरिंग करेगा, वही सारे बंदे हो गए, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, फार्मर्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, रजिस्टर्ड फार्मर्स सोसाइटी हो गई, फार्मर ग्रुप हो गए, बीमन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, है ना।
अब आगे बात की गई है इंडिविजुअल फार्मर्स की, कि कोई एक सिंगल टाइप का फार्मर है और वो भी इस टाइप की मशीनरी को परचेस करना चाह रहा है, तो उसको भी जो गवर्नमेंट है वो 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ताकि वो इस टाइप की मशीनरी को खरीद सके। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या रोल होगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये जो स्कीम है उसकी एक नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, और जो फार्म मशीनरी बैंक इस्टेब्लिश किए जाएंगे है ना, तो ये जो बंदे कस्टम हायरिंग करेंगे उनके आइडेंटिफिकेशन और जो बेनिफिशरीज हैं उनको सिलेक्ट करेगी, मशीन के प्रोक्योरमेंट पे ध्यान देगी है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का रोल होने वाला है। और टाई अप विद बैंक्स, इसमें जो स्टेट एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बैंकों के साथ भी टाई अप करेगी ताकि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट हैं अलग अलग टाइप के जो बेनिफिशरीज हैं है ना, तो उनको पैसा मिल सके। सिग्निफिकेंस ऑफ स्कीम यही है कि इससे क्रॉप रेसिड्यूल का मैनेजमेंट हो जाएगा है ना, यही सारी अच्छी अच्छी बातें हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के बारे में। तो ये था फिर पूरा का पूरा हमारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है ना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का प्रमोशन करना था इस स्कीम में, इन सीटू मैनेजमेंट था रेसिड्यूल का, जिसमें हमने पूरी पूरी कहानी बताई कि जो दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम डे बाई डे बढ़ती जा रही है क्योंकि स्टबल बर्निंग के बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं आपके हरियाणा पंजाब यूपी, तो इधर पे जो क्रॉप रेसिड्यूअल रहता है उसको जला दिया जाता है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको जलाया ना जाए और जो क्रॉप रेसिड्यूअल है उसको उसका इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कर लिया जाए, कुछ इस टाइप की मशीनरी खरीद ली जाए, उस पर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाए ताकि जो क्रॉप रेसिड्यूअल है उसका वहीं के वहीं पे मैनेजमेंट किया जा सके है ना। इसमें कई सारे हमने बेनिफिशरीज की भी बात की कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल किसान हो जाएगा, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएंगे, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। हमने ये भी बात की कि इसमें एक फार्म मशीनरी बैंक का भी सेटअप किया जाना है, जो कि जो फंड मिलने वाला है टोटल उसका 80% फार्म मशीनरी बैंक सेटअप करने में ही जाएगा, उसमें जो मशीनरी होगी उसका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा और फिर वहाँ से कस्टम हायरिंग कर सकते हैं, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ये मशीनरी को हायर कर लो और फिर अपना यूज़ ले लो है ना। इंडिविजुअल बेनिफिशरीज के लिए भी हमने बात की कि 50% गवर्नमेंट इसमें पैसा देने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट की हमने बात की कि इसमें नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, टाई अप बैंक के लिए हमने बात की कि जो स्टेट एजेंसी हैं वो अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए बैंकों के साथ टाई अप कर सकते हैं है ना, और ये सब पढ़ने के बाद आपको इस स्कीम का सिग्निफिकेंस समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो उद्यम सखी पोर्टल के बारे में है, तो जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसने जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है उद्यम सखी जिसका नाम है। अब ये जो पोर्टल है ये क्या करेगा, जो एंटरप्रेन्योर हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, जो वुमेन हैं उनको सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए ये पोर्टल काम करता है। इसमें ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो इनमें जिनको बनाने में बहुत कम खर्च आता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाती है कि उनको कैसे डेवलप करा जाएगा। बाकी फिर इस पोर्टल में जो वीमन एंटरप्रेन्योर हैं उनके लर्निंग की टूल प्रोवाइड की गई हैं कि कहाँ से उनको फंड रेस करना है, उनको उनको मेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं, मार्केट सर्वे किया जाता है ना, ताकि उनको टेक्निकल असिस्टेंट दी जाती है ताकि वो जो एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं जो प्रोग्राम ले रहे हैं जो बिजनेस मॉडल वो सेलेक्ट कर रहे हैं उसको और ज़्यादा कंटिन्यू किया जा सके है ना। ये था हमारा उद्यम सखी पोर्टल के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो आई मेट्रो के बारे में है, तो जो आई मेट्रो है ये एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट था आपका 1860 का, तो उसके तहत ये रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। अब जो आई मेट्रो है ये एक टाइप का आप इसको प्लेटफॉर्म मान सकते हैं जिसमें क्या है, जो वेरियस टाइप के स्टेक होल्डर होंगे वो अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, एक दूसरे का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक अपनाई हैं, जो भी इनोवेशन किए हैं है ना, तो उस सब का और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके इंडियन मेट्रो रेल कंपनीज में। और इसमें आगे बात यह की गई है कि ये वेरियस टाइप के जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा सभी मेट्रो रेल कंपनीज के लिए, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन को, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनोवेशन उन्होंने जो अभी तक किए हैं। और ये जो सोसाइटी है ये एक टाइप का सेफगार्ड का काम करेगी किसके लिए, जो मेट्रो रेल कंपनीज हैं उनके इंटरेस्ट को और जो उनके राइट्स हैं उसको बचाने के लिए एक थिंक टैंक की तरह वर्क करेगी, और ये सब लोग मिलके जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये आई प्लेटफॉर्म आई मेट्रो जो एक प्लेटफॉर्म होगा ये डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करेगा ताकि जो भी उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपनाया जा सके
और ज़्यादा मेट्रो रेल का डेवलपमेंट किया जा सके, है ना। तो ये था हमारा आई मेट्रो के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो सुविधा के बारे में है। देखिए, गवर्नमेंट के तीन एम है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा। जो ऐसी वुमन जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको सुविधाएं नहीं हैं, तो गवर्नमेंट उनको सैनिटरी जो नैपकिन से रहते हैं बहुत सस्ती कीमत पर अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही है। 2.5 रुपये का पर सेट पड़ेगा, जो कि जन औषधि जो केंद्र होते हैं ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में, वहाँ से ये जो सैनिटरी नैपकिनस हैं, ये अफोर्डेबल जो नैपकिनस हैं, ये सेल किए जाएंगे। अब ये जो सैनिटरी नैपकिनस हैं, ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैनिटरी नैपकिनस हैं, आप इनको यूज़ कर लो और फेंक दो, तो ये अपने आप ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आके बायोडिग्रेड हो जाते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में ही बात करेंगे, तो ये एक टाइप का कैंपेन था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा लाया गया था। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जन औषधि केंद्र बना रही थी, वहाँ से गवर्नमेंट क्या करने वाली थी, सस्ती जो दवाएं हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं, जिनकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है और जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू इथिकल ड्रग, है ना। तो वहाँ से गवर्नमेंट जो मतलब ज़्यादा कम्युनिटी को कवर करने के चक्कर में गवर्नमेंट सस्ती दवाएं ला रही थी, सस्ती दवाएं मगर बेकार नहीं है, वो अच्छी हैं। तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना थी उसके तहत दवाओं का वितरण करने वाली थी, जो जेनरिक ड्रग्स थी जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना। तो ये था हमारा सुविधा के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करा रही है ऐसी लेडीज़ को जो कि अंडर प्रिविलेज कंडीशन में रहती हैं, है ना। ये था हमारा सुविधा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो स्वच्छ शक्ति के बारे में है। तो अभी जो यूपी की गवर्नमेंट है, उसने इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन पर स्वच्छ शक्ति अवार्ड दिए। ये एक टाइप के क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ कोलाबोरेट करके ऐसी जो लेडीज़ हैं, वुमेन सरपंच हैं, वुमेन स्वच्छग्राही हैं, जिन्होंने जो क्लीनलीनेस है, मतलब जो साफ़ सफाई है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है टूवर्ड्स मेकिंग ए स्वच्छ भारत, है ना। तो उनके लिए क्लीन इंडिया एक टाइप के अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। यही है आपका स्वच्छ शक्ति 2018 के बारे में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। मैंने बताया था कि जो नीति आयोग है, उसने वीमेंस डे के दिन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था वीमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें हमने बताया था कि जो लेडीज़ हैं उनमें उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसमें नीति आयोग ने क्या किया था, ये प्लेटफॉर्म पे जो भी गवर्नमेंट की सारी स्कीम थी उनको एक साथ लाके एक साथ रख दिया था, ताकि जो वीमेंस हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो बढ़ सके, वो इस दिशा में और ज़्यादा काम कर सकें, उनकी जो एम्बिशन है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, उनको नॉलेज दिया जाएगा कि कैसे बिजनेस सेट करना है, और फिर उनको स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। मैंने ये भी बताया था इसमें कि जो वेरियस टाइप की इंडस्ट्री हैं, जो वेरियस कंपनी हैं, वो इनको सहयोग दे रही हैं, जिसमें आपका क्रिसिल था, डाइस था, शॉप क्लू, अलग अलग जो कंपनीज थी वो इनको सहयोग दे रही थी, है ना। फिर इसके बाद हमने आगे बात की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। तो मैंने बताया था कि हमारे देश में जो गर्ल्स हैं उनका नंबर बहुत घट रहा है, हरियाणा पंजाब में तो जो दुल्हन रहती हैं, ब्राइड रहती हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, है ना। तो इस टाइप के मुद्दों को डील करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें सबसे पहली बात तो यही है कि बेटी बचाओ, इसमें यही है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है गर्ल्स का, तो उसको सस्टेन करके रखना है, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। दूसरा ये है कि इसमें जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन पर स्पेशल फोकस किया गया है। हमने इसमें एक ये भी की थी कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये तीन जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं, यूनियन मिनिस्ट्री, उनका सहयोग से ये स्कीम चल रही है, जिसमें एक आपकी WCD मिनिस्ट्री थी, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरी हमने बात की थी HRD मिनिस्ट्री है, और तीसरी हमने बात की थी आपका फैमिली वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री थी। इसके बाद हमने आगे बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैंने बात की थी कि हमारी कंट्री में जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी नवंबर 2017 में।
हमने बताया था कि इसमें जो प्रभारी ऑफिसर रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मैंने बताया था कि जो प्रभारी ऑफिसर होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। ये एक लोग एक टीम बनाते हैं और फिर ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वो कई टाइप से उनका सिलेक्शन होता है, जैसे कि उनमें LWE की समस्या हो, पान सिंह तोमर और टेंगो चार्ली, मैंने बातें बताई थी। और भी फिर कहीं पे एजुकेशन का अभाव है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, इस टाइप की हमने बातें की थी, है ना। फिर हमने आगे बात की थी कि एक स्कीम के बारे में हमने बात की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो दिल्ली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मतलब स्टबल बर्निंग के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं वहाँ पर, तो जो क्रॉप रेसिड्यूल है वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई थी ताकि जो क्रॉप रेसिड्यू है उसका इंसीटू मैनेजमेंट किया जा सके। इंसीटू मैनेजमेंट मतलब खेत के खेत में ही वहाँ पर मैनेजमेंट किया जा सके। हमने इस बारे में बात की थी। हमने इसमें ये भी बताया था कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, पूरी सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, जो भी वेरियस स्टेक होल्डर थे। हमने बताया था कि कोई भी किसान हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ये सारे बंदे हो गए। हमने इसमें एक बात ये भी की थी कि इसमें फार्म मशीनरी बैंक बनाया जाएगा, जो कि 80% जो पैसा है जो फंडिंग दी जा रही है इसको, उसमें ये बैंक बनाया जाएगा और जो कि जिससे कस्टम हायरिंग की जा सकेगी, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से इसका यूज़ किया जा सकेगा। फिर हमने इसमें आगे आपकी बात की थी उद्यम सखी पोर्टल के बारे में। तो हमने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो MSME मिनिस्ट्री थी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज वाली जो मिनिस्ट्री थी, उसने ये एक टाइप का पोर्टल था उद्यम सखी पोर्टल, जिसमें हमने बताया था कि जो लेडीज़ हैं जो कि लो कॉस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बिजनेस को सेट कर सकें, तो उसके लिए उनको असिस्टेंट देना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उनके लिए सर्वे कंडक्ट करना, टेक्निकल असिस्टेंट देना, ये सब इस पोर्टल के तहत किया जाना था, जिसका नाम था उद्यम सखी। हमने इसमें एक आई मेट्रो के बारे में भी बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो भी मेट्रो के वेरियस स्टेक होल्डर हैं ये सब के सब साथ में आके एक टाइप का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और जो भी उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाया जाता है। मैंने ये बताया था कि ये एक टाइप की सोसाइटी थी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड थी। हमने इसमें सुविधा के बारे में बात की थी। सुविधा क्या होती है, मैंने बताया था कि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं गवर्नमेंट बहुत सस्ते रेट पे उनको अवेल करा रही है, 250 रुपये, और मैंने ये भी बताया था कि ये बायोडिग्रेडेबल थे, मतलब वो सेल्फ डिके हो जाते हैं। हमने इसमें एक बात और भी की थी कि प्रधानमंत्री जन सुविधा परियोजना के तहत ये सब किया जा रहा था। हमने बताया था जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में हमने बात की थी, गवर्नमेंट जो है वो औषधि प्रोवाइड कर रही है ना, मतलब सस्ते रेट पे जो दवाएं रहती हैं, जेनरिक मेडिसिन होती हैं, वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और इसमें हमने सबसे लास्ट में बात की थी, सुविधा के बाद सबसे लास्ट में स्वच्छ शक्ति के बारे में बात की थी। जो स्वच्छ शक्ति थी, मैंने बताया था कि जो UP गवर्नमेंट है वो ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन की मिनिस्ट्री थी उनके साथ कोलैबोरेट करके जो गांव की लेडीज़ हैं, गांव की सरपंच हैं, स्वच्छता ग्राही हैं, वुमेन चैंपियन हैं, जो कि स्वच्छ भारत की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए जा रहे थे स्वच्छ शक्ति 2018 के तहत, है ना। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। ये सारा का सारा डिस्कशन इनसाइट करेंट अफेयर जो रहते हैं डेली के डेली में, वहाँ से ये उसका PDF फाइल था जो मैं डिस्कस कर रहा था, अभी मैंने पढ़ा दिया है। आप चाहें तो इसको उस वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं, है ना। ये था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।